छह चरण की वोटिंग खत्म हो गई है। मतदान के दौरान लोगों की जागरूकता भी देखने को मिली है। वोटिंग के दौरान कई अनोखी और अजब गजब तस्वीरें सामने आई हैं। एक रिपोर्ट देखिए। लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व को लेकर लोगों में जमकर उत्साह देखा गया। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक ने लोकतंत्र के महायज्ञ में अपनी आहुति दी। पहाड़ से लेकर मैदान तक जश्न की लहर दिखाई दी। दुल्हन से लेकर दिव्यांगों तक ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। सबसे पहले बात मुजफ्फरनगर की, जहां एक दुल्हन अपना वोट डालने पहुंची। शादी के बाद विदाई से पहले दुल्हन ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। साथ ही दुल्हन ने एक संदेश भी दिया कि मताधिकार का प्रयोग हर हिंदुस्तान के नागरिक को करना चाहिए। कैराना में पिंक बूथ मतदाताओं के लिए आकर्षण का केंद्र रहा। इस पोलिंग बूथ पर पिंक कलर के गुब्बारे, सेल्फी पॉइंट और रेड कार्पेट बिछाया गया। पिंक बूथ पर मतदाताओं की अच्छी तादाद दिखाई दी। और ये पिंक बूथ बनाया गया, आप देख सकते हैं लिखा हुआ है पिंक पोलिंग बूथ, और इसे पिंक गुब्बारों से सजाया गया है। आप देखिए अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अंदर भी बकायदा पिंक कलर में यहाँ पर देखिए पर्दे लगाए गए हैं। ये वोटरों को काफी उत्साहित करने वाला बूथ बनाया गया है। बकायदा रेड कारपेट बिछाया गया है। तस्वीरों में हम आपको दिखा सकते हैं पूरे यहाँ पर मतदान केंद्र को पिंक कलर में सजाया गया है। उत्तराखंड के नैनीताल में भी कुछ ऐसी तस्वीर दिखाई दी, जहाँ दुल्हन शादी के बाद सीधे पोलिंग स्टेशन पहुंची और अपना वोट डाला। रात शादी की रस्में हुई और सुबह दुल्हन सजी धजी वोट डालने पहुंच गई। गायत्री चंदोला है। अभी तो फिलहाल ये जस्ट स्कूल के जीजीआईसी दौलिया के पास वाला घर है, दौलिया डी क्लास। शादी हो रही है, वैसे तो बेंगलोर से, अभी सोमेश्वर के रहने वाले हैं, तो अभी सोमेश्वर को ही जा रहे हैं। शादी हो चुकी है रात को, अभी विदाई होकर के जस्ट मैं आधे घंटे बाद विदाई के यहाँ पे वोट डालने के लिए आई हूँ। जब मन में उत्साह हो तो बड़ी से बड़ी मुश्किलें आसान हो जाती है। ऐसी तस्वीर दिखाई दी उत्तरकाशी में, जहाँ यमुनोत्री इलाके में तुल्याड़ा बूथ पर दिव्यांग मतदाता डोली में बैठकर वोट देने पहुंचा। हालांकि प्रशासन ने बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं को मतदान की सुविधा के लिए विशेष प्रबंध किए थे। अब बात पहले चरण के सबसे ऊंचे पोलिंग स्टेशन की, जहाँ सिर्फ 86 मतदाताओं के लिए मतदान केंद्र बनाया गया। दरअसल टिहरी सीट के सबसे ऊंचा पोलिंग बूथ गंगोत्री धाम रहा। गंगोत्री पोलिंग बूथ पर 86 मतदाता हैं और गंगोत्री पोलिंग बूथ की ऊंचाई 3200 मीटर है। यहाँ शुरुआती दौर में ईवीएम मशीन में कुछ तकनीकी खराबी हुई थी, लेकिन बाद में खामी को ठीक कर लिया गया और सभी लोगों ने वोट डाला। आज को समय को देखते हुए देश की सुरक्षा, देश की उन्नति, देश का विकास, हमारे जहाँ हम रह रहे ग्रामीण वहाँ का विकास, इसको देखते हुए हमने वोट दिया। मैं 2014 से दे रहा हूँ। पहले चरण की वोटिंग पूरी हो चुकी है और अभी 6 फेज की वोटिंग बाकी है। ऐसे में जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड दर्शकों से अपील करता है कि सभी लोकतंत्र के उत्सव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, अपना वोट जरूर डालें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।